पार्ट फोर देखिए, 3a-1/2 इंटू 3a-1/2। ओके, इसको आप क्या लिख सकते हो? देखो, जब सेम क्वांटिटी टू टाइम्स मल्टीप्लाई होती है तो हम क्या करते हैं, उसको लिखते हैं 3a-1/2 को ऐसे लिखेंगे और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, स्क्वायर। करेक्ट, ये बात मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। जैसे एम स्क्वायर का मतलब एम इंटू एम या एम इंटू एम क्या होता है, एम स्क्वायर। उसी तरीके से 3a-2 इंटू 3a-2 क्या हो जाएगा, 3a-2 का होल स्क्वायर। करेक्ट, ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो, इसकी होल पावर वन है, इसकी होल पावर वन है। ये बेस देखो, दोनों के सेम है, 3a-2, ये पूरा बेस है इसका, 3a-2 बेस है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी 1+1 2। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होता है, जस्ट आपको मैंने बता दिया। ठीक, नाउ स्टूडेंट्स, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आइडेंटिटी यूज होगी आपकी सेकेंड वाली, यानी कि a-b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² - 2 a × b और प्लस बी का स्क्वायर। ओके, ठीक। नाउ अब ध्यान दें, ये देखिए, आपको इसका एक्सपेंशन करना है क्या, 3a-1/2 का स्क्वायर। तो करना कुछ नहीं, आप क्लियरली देख सकते हो, जहां जहां a आ रहा है 3a रखोगे, जहां जहां b आ रहा है आप 1/2 रखोगे। ओके, सो a का स्क्वायर, यानी कि a की जगह हमने क्या रखना है, 3a, a के ऊपर स्क्वायर है तो 3a का स्क्वायर माइनस 2 a की जगह 3a इंटू b की जगह 1/2 1/2। ओके, b की जगह 1/2 और प्लस b का स्क्वायर, यानी कि 1/2 का स्क्वायर। B का स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर। ओके, नाउ अब बच्चों, 3a का स्क्वायर कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक, 3a का स्क्वायर लिखा होगा तो ये स्क्वायर 3 को मिलेगा, a को भी 3 का स्क्वायर 9, a का स्क्वायर a स्क्वायर। अगर आपको लॉन्ग प्रोसेस से करना है तो 3a का स्क्वायर मतलब 3a इंटू 3a क्या होता है, 3 × 3 = 9, a का स्क्वायर a इंटू a का स्क्वायर। ओके, 9a स्क्वायर। सो 3a स्क्वायर कितना हो गया, 9a स्क्वायर और माइनस, अब ध्यान दें बच्चों, ये सब कुछ मल्टीप्लाई है आपस में, पता है आपको, तो बात समझो, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लो अगर आपको प्रॉब्लम है। 2 × या आप ऐसे कर लो, देखो 2 × 3 = 6 कर लो, कोई बात नहीं, 2 × 3 = 6 कर लो आप, 6a हो जाएगा इंटू में 1/2 हो जाएगा और प्लस, अब देखो 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर 1 को मिलेगा 2 को भी, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, 1/4 हो जाएगा। फिर भी अगर आपको और अच्छी तरीके से समझना है, सो 1/2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 1/2 × 1/2। सो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, 1 × 1 = 1, 2 × 4 = 1/4। ओके, सो 1/2 का स्क्वायर 1/4। करेक्ट, नाउ अब देखो, 2 × 1 = 2, नीचे 1 आएगा, 2 × 2 = 2, 2 × 3 = 6, 3 × 1 = 3 और साथ में a, और नीचे 1 का कोई मतलब नहीं होता है तो उसको हम हटा देते हैं। ठीक, सो यहाँ से आ जाएगा 9a² - 3 × 1 = 3 और साथ में बचा a और प्लस में बचा लास्ट में क्या, 1/4। सो दिस इज योर आंसर, 9a² - 3a + 1/4। ओके, नोट कर लीजिए।